धरती के दो तिहाई हिस्से में समंदर ही समंदर है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हम चांद के बारे में ज्यादा जानते हैं और समुद्र के बारे में कम, क्योंकि हम अभी सागर के सिर्फ 5% हिस्से के बारे में ही जानते हैं। 95% समंदर अब भी हमारे लिए अनजाना है। समंदर अपने भीतर बड़े बड़े राज छुपाए हुए हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं समंदर के ऐसे ही 10 अनसुलझे रहस्य। समंदर में फटाफट कैसे बन गई मम्मी? दक्षिणी फिलीपींस में समुद्र तट के करीब एक लावारिस नाव मिली थी। इसमें जर्मन नाविक मैनफ्रेड फ्रिट्स बेजुराट का शव टेबल पर बैठी हुई स्थिति में मिला था। ऐसा लग रहा था मानो फ्रिट्स अपने हाथ पर सिर रखकर सो रहे हों। उनकी लाश सड़ी नहीं थी बल्कि मम्मी जैसी बन चुकी थी। हालांकि ऑटोप्सी के बाद साइंटिस्ट ये जानकर हैरान रह गए कि बेजुराट की मौत महज 7 दिन पहले हुई थी। कुछ एक्सपर्ट्स का अनुमान था कि समुद्र के नमकीन और सूखे वातावरण में रहकर लाश मम्मी बन गई, लेकिन कोई ये नहीं बता पाया कि जहां दूसरी लाशों के मम्मी बनने में लंबा समय लगता है, वहीं बेजुराट की लाश सिर्फ हफ्ते भर में वैसे कैसे बन गई? किसने बसाया था ये शहर? जापान में योनागुनी के तट पर ऐसी संरचनाएं मिली हैं जो किसी पुराने शहर का अवशेष लगती है। हालांकि विशेषज्ञ इस बारे में एक राय नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि ये कुदरती संरचनाएं हैं और अपने आप बनी हैं, जबकि कुछ का मानना है कि इन्हें इंसानों से इतर किसी अन्य सभ्यता ने बनाया है। ये मछली का काम है या एलियंस का? दक्षिणी जापान में समुद्र की तलहटी में गोल आकृतियां मिलती हैं। इन्हें सबसे पहले 1995 में देखा गया था। उसके बाद गोताखोरों को ऐसी कई आकृतियां मिली। बहुत से लोग मानते हैं कि ये एलियंस का काम है। उनका मानना है कि UFO यानी कहा जाए कि एलियंस के प्लेन और शिप्स से ऐसी संरचनाएं बनती हैं। हालांकि 2011 में साइंटिस्ट ने बताया कि 5 इंच लंबी एक मेल पफर मछली ऐसी संरचनाएं बनाती है। ये फीमेल फिश को आकर्षित करने के लिए ऐसा करती है। इसके बावजूद बहुत से लोग इसे एलियंस का काम ही मानते हैं। समुद्र तट पर कहां से आते हैं पैर? कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सैलिश बीच पर इंसानी पैर मिलते रहे हैं। 2008 से शुरू हुए इस सिलसिले के तहत अब तक 16 पैर मिल चुके हैं। इनमें से कुछ पैरों में स्नीकर्स, हाई बूट और रेगुलर शूज भी थे। ये पैर वहाँ कैसे पहुँचते हैं? कोई इन्हें क्यों वहाँ छोड़ देता है और वे किसके पैर हैं? इन सारे सवालों का अब तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। सी मॉन्स्टर की हकीकत क्या है? सदियों से किस्से, कहानियों और लोक कथाओं में समुद्री दैत्यों का वर्णन मिलता है। बहुत सारे लोग इन्हें देखने का दावा भी करते हैं। माना जाता है कि ये भारी भरकम विशालकाय प्राणी समुद्र की गहराइयों में रहते हैं। सी मॉन्स्टर्स ड्रैगन, सांप, स्क्विड्स किसी भी तरह के हो सकते हैं। क्या ये स्पेसशिप है? 2011 में बाल्टिक सागर की तली में एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट मिला था। माना जाता है कि इसमें जादुई शक्तियां हैं, जिनके चलते इसके आसपास गोताखोरों के उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि ये अंतरिक्ष के जीवों का स्पेसशिप है जो दुर्घटना के बाद समुद्र में आ गिरा था। ये है क्यूबा की अंडर वाटर सिटी। 2001 में क्यूबा में समुद्र के अंदर एक शहर का पता चला था। इसमें कई पिरामिड और गोल आकृति वाली संरचनाएं हैं, खंबे हैं और अन्य ज्योमेट्रिकल आकृतियां भी हैं। माना जाता है कि ये पानी में डूबा शहर है जहां हजारों साल पहले लोग रहा करते थे। बड़ी शार्क को किस बड़े जीव ने मारा? ऑस्ट्रेलियाई साइंटिस्ट 9 फीट की एक ग्रेट व्हाइट शार्क पर रिसर्च कर रहे थे। एक दिन उन्होंने पाया कि शार्क बीच पर पड़ी हुई है। लहरें उसे किनारे तक बहा ले आई थी। उस शार्क का आधा शरीर खाया जा चुका था। वैज्ञानिक ये देखकर हैरान रह गए क्योंकि उन्हें ये सूझ ही नहीं रहा था कि समंदर में ऐसा कौन सा जीव हो सकता है जो इतनी बड़ी और खूंखार शार्क का भी शिकार कर सकता है। अनुमान लगाया गया कि दूसरा जीव और बड़ी शार्क हो सकती है। उसे कैनिबल शार्क नाम दिया गया है। हालांकि ये अब तक अनुमान ही है और सच्चाई के बारे में कोई भी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता।
क्या हुआ था उस युद्ध में। 2002 में जावा के पास समुद्र में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर के 3 डच युद्ध पोतों के अवशेष मिले थे। माना गया कि जापानी सेना के साथ लड़ाई में इनका ये हाल हुआ था। इस लड़ाई में 2200 लोग मारे गए थे। बहरहाल उस समय क्या हुआ था इस बारे में विशेषज्ञ पक्के तौर पर कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। उस घोस्ट शिप में क्या हुआ था। 1872 में अटलांटिक महासागर के बीच मैरी सेलेस्टे नामक जहाज लावारिस और जर्जर हालत में मिला था। जहाज पर क्रू का कोई मेंबर नहीं था, न ही किसी की लाश थी। अलबत्ता क्रू का सारा सामान और शराब अछूती ही पड़ी थी। अंदाजा लगाया गया कि समुद्र में भूकंप आने पर सारे क्रू मेंबर जहाज छोड़कर समुद्र में कूद पड़े होंगे। कुछ लोग इसे अनजान ताकतों का काम बताते हैं। एक सिद्धांत ये भी कहता है कि ये किसी बड़े समुद्री जीव का काम रहा होगा।